कंज्यूरिंग यूनिवर्स के इस फेमस डॉल एनाबेला को तो आप जानते ही होंगे। इसे कई लोग एनाबेला भी कहते हैं और कई लोग एनाबेल भी कहते हैं, दोनों ही करेक्ट है। और ये डॉल कितनी खतरनाक है इससे भी आप वाकिफ होंगे। पर क्या हो अगर ये बाहर निकल जाए? आपको पता है साल 2020 के अगस्त के महीने में एक न्यूज़ आ रही थी कि ये जो एनाबेल डॉल है, ये एड और लॉरेन वॉरेन का जो अकल्ट म्यूजियम कनेक्टिकट में है, 14 अगस्त के सुबह 3 बजे एस्केप कर गई, यानी कि म्यूजियम से भाग। और जैसा कि आप इस विकिपीडिया पेज पर देख सकते हैं, विकिपीडिया पेज को किसी ने मिस्टीरियस तरीके से एडिट कर दिया था और वहीं से सबको ये जानकारी मिल गई। विकिपीडिया पेज में लिखा हुआ था, ये डॉल अचानक से सुबह 3 बजे भाग गई। और उस टाइम दुनिया भर में जो लोग ये बातें सुन रहे थे, और क्योंकि ये ऑफिशियल विकिपीडिया पेज से न्यूज़ आ रही थी, तो सबके अंदर चिल्स आ गया। तो बाद में एड एंड लॉरेन वॉरेन के सन इन लॉ टोनी स्पेरा, जो कि एड और लॉरेन वॉरेन के बाद अभी उस म्यूजियम के ओनर यानी कि उसके मालिक हैं, और माना जाता है कि उस म्यूजियम में 500 से भी ज़्यादा शापित चीज़ें रखी गई हैं, जैसा कि आपने कंज्यूरिंग में देखा ही होगा। फिर टोनी स्पेरा ने इस बात को क्लियर करते हुए एक वीडियो अपलोड किया कि ऐसा कुछ नहीं है। ह्यूमर इतना फैल गया था कि उन्हें खुद क्लियर करना पड़ा। उन्होंने कहा कि एनाबेला डॉल आज भी वहीं पर है, और उन्होंने उस विकिपीडिया पेज की उस लाइन भी करवा दिया। उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर हाई सिक्योरिटी सिस्टम मौजूद है और किसी को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट बाई चांस अगर वो निकल गई, किसी चोर ने चोरी के मकसद से आकर उसे चोरी कर निकाल लिया क्योंकि बहुत वैल्यूबल और फेमस है, तो अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं, अगर ऐसा हुआ तो वही करेगी जो पहले किया करती थी। उस ग्लास में बंद करने से पहले वो जब बाहर थी तब वो अपनी जगह से टेलीपोर्ट होकर कहीं और चली जाती थी। और ऐसे कितने किस्सों को आप सुने होंगे, ऐसे भी कई घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें कोई इंसान उसके ग्लास पर ऐसे मार मार कर उसका मजाक उड़ा रहा था। एंड द नेक्स्ट थिंग, पता है क्या हुआ? वो घर जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मरते मरते बचा। ऐसे टाइप के मिस्टीरियस कहानी कई बार हो चुकी है वहाँ उस म्यूजियम में जाकर उसका मजाक उड़ाने वाले लोगों के साथ। तो एनाबेल बिल्कुल भी बाहर नहीं आने चाहिए, वो आज भी उसी सेफ शीशे के अंदर बंद है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो ऐसे ही फैक्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट।